नमस्कार। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, उस पर अक्सर आपकी नजर पड़ती है, लेकिन शायद ही कभी आपने गौर किया हो, और गौर किया भी होगा तो शायद ही कभी आपने उसका उत्तर खोजने की कोशिश की होगी, और उत्तर खोजने की कोशिश भी की होगी तो शायद ही आपको उसका सही जवाब मिला होगा। दरअसल आप जब भी भारत का मैप देखते हैं तो उसके साथ हमेशा एक और देश का मैप आपको दिखाई देता है। आपकी नजर लगातार इस पर पड़ती भी रही होगी। जी हाँ, हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार वो क्या वजह है कि श्रीलंका हमेशा ही भारत के नक्शे के साथ दिखाई देता है? क्या भारत का श्रीलंका पर कोई अधिकार है, या श्रीलंका का भारत के साथ कोई करार है? हकीकत में ये दोनों ही बातें कहीं से भी सच नहीं है। इसके पीछे एक ठोस वजह है, और इस ठोस वजह को जानने के लिए कि आखिरकार क्यों भारत के मैप के साथ हमेशा श्रीलंका का मैप दिखाई देता है, आपको ओसीन लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि समुद्र का कानून। इंटरनेशनल ओशियन लॉ के बारे में जब आप जानकारी हासिल कर लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों भारत के मैप के साथ हमेशा श्रीलंका का मैप दिखाया जाता है। दरअसल समुद्र के किनारे स्थित देशों में पहले आसपास के क्षेत्रों को लेकर, समुद्र के क्षेत्र को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इस विवाद की स्थिति से निपटने के लिए 1958 में सबसे पहले जिनेवा में ओशियन लॉ को लेकर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ। हालांकि तब बात बहुत ज्यादा जम नहीं पाई और धीरे धीरे इसमें उत्तरोत्तर सुधार होता गया। फाइनली 1982 में जमैका में हुए ओशियन लॉ को लेकर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, और इस इंटरनेशनल कन्वेंशन को 117 देशों ने तत्काल अपनी मंजूरी दे दी थी। 1982 में जमैका में हुए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ओशियन लॉ के ऊपर जब बात बनी और 117 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, तो समुद्र के क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। इसमें से एक क्षेत्र कहलाता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब ये है कि कोई ऐसा देश जो समुद्र के किनारे रहता है, उस देश की तटीय रेखा से 12 मील तक की दूरी टेरिटोरियल सी के अंतर्गत आती है। और इसी में एक दूसरा क्षेत्र कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि EEZ। इसका जो दायरा होता है तटीय रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक, अर्थात 370 किलोमीटर तक की दूरी पर होता है। यानी कि भारत अपने तटीय रेखा से 370 किलोमीटर दूर, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी पर अपना अधिकार क्षेत्र रखता है इंटरनेशनल लॉ ऑफ ओशियन के अकॉर्डिंग। और वहां पर भारत माइनिंग कर सकता है, ऑयल डिगिंग कर सकता है, पाइपलाइन बिछा सकता है, केबल बिछा सकता है। पूर्व और पश्चिम की तरफ जब ये बात आती है तो वहां पर भारत का समुद्र खुला हुआ है और वहां भारत को किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब बात दक्षिण दिशा की आती है तो दक्षिण दिशा में इस 200 नॉटिकल माइल की दूरी के पहले ही एक देश आ जाता है, और वो देश आ जाता है श्रीलंका। आपने अक्सर सुना होगा कि समुद्र क्षेत्र को लेकर अक्सर भारत और श्रीलंका के मछुआरों को परेशानी झेलना पड़ता है। दोनों देश के मछुआरे या तो एक दूसरे देश की सीमा क्रॉस कर जाते हैं, या फिर दोनों दूसरे के जो कोस्टल लाइन होती है क्रॉस करने के बाद वहां के लोगों के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह के विवाद से बचने के लिए इंटरनेशनल लॉ ऑफ ओशियन में यह तय किया गया कि जहां भी दो देशों के बीच ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल के दायरे में आएंगे, तो वहां पे वो दोनों देश आपस में उस क्षेत्र को आधा बांट लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि भारत का जो 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है वो श्रीलंका को क्रॉस कर जाता है, और इसीलिए भारत का जो अधिकार क्षेत्र है वो श्रीलंका के आसपास का समुद्र क्षेत्र भी आता है। तो यही वजह है कि भारत जब भी अपना मैप दिखाता है वहां पे श्रीलंका को भी मैप दिखाता है, और श्रीलंका के मैप के पास आप जब भी देखेंगे तो वहां पे इंडियन ओशियन करके लिखा होता है। तो मुख्यतः यही वजह है कि भारत की समुद्री विस्तार, भारत के समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत श्रीलंका का क्षेत्र भी पड़ जाता है, इसलिए भारत श्रीलंका को अपने मैप के साथ हमेशा दिखाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि श्रीलंका को अगर इस कारण से भारत के साथ दिखाया जाता है तो फिर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को क्यों भारत के मैप के साथ दिखाया जाता है? तो दरअसल बांग्लादेश की स्थिति कुछ ऐसी है कि जब भी उसे भारत के साथ प्रेजेंट किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है उत्तर पूर्वी राज्यों को दिखाना, क्योंकि अगर बांग्लादेश को बीच में से हटा दिया गया तो उत्तर पूर्वी राज्यों को दिखा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। यही स्थिति भूटान और नेपाल के साथ आती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से जब हम कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वहां की सीमाओं को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए भूटान और नेपाल की स्थिति भी दिखाई जाती है। हालांकि श्रीलंका के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। इन कंडीशन की वजह से अगर श्रीलंका को दिखाना होता तो भारत उसे अपने मैप से अलग कर सकता था, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ऑफ ओशियन लागू होता है और उस प्रावधानों के अंतर्गत श्रीलंका भारत से अपने EEZ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से श्रीलंका को भारत के मैप के साथ हमेशा दिखाया जाता है। तो मुख्यतः यही वजह है जिसके साथ भारत के मैप के साथ हमेशा ही श्रीलंका को दिखाया जाता है।
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।